नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी ही अपनी चैनल लैपोपार्ट में। दोस्तों, पहले तो थंबनेल और उसके बाद यहां पे आके पेंटिंग में जो स्केच आपने देखा उससे आपको पता चल गया होगा कि आज मैं फतेहपुर सीकरी की पेंटिंग बनाने जा रहा हूं। आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि ये सब जो आर्किटेक्चर्स के पेंटिंग बनते हैं ना, वहां पे आपको ना स्केच में काफी ध्यान रखना होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उनका जो डिजाइन होते थे ना दोस्तों, वो अपने आप में इतना यूनिक होता था। अगर उस ग्रेड की ही आप कोई पेंटिंग बनाने चाहते हो दोस्तों, अगर स्केच आपने ठीक तरह से नहीं किया ना, तो ये समझ लो कि फतेहपुर सीकरी बन रहा है पर आपका डिजाइन, आपका जो स्केच है वो कुछ और ही बना, तो आपने कुछ और ही सीकरी बनानी देनी है। ओके, तो आपको ना स्केच ठीक तरह से करना होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों इस पेंटिंग की जो स्केच है ना, उसको करते हुए मुझे काफी टाइम स्पेंड करना पड़ा। ओके, तो स्केच में काफ़ी ध्यान रखना होता है। और कलरिंग दोस्तों, कलरिंग काफ़ी इजी है दोस्तों, और आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जा रहा हूँ। फिर भी अगर किसी पोर्शन पे आपको लगे कि यहाँ पे आपने ठीक तरह से समझा नहीं है या फिर और भी कुछ जानना है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करना दोस्तों, बेझिझक कमेंट्स करना, क्योंकि दोस्तों आप ही का चैनल है दोस्तों। और आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो बेझिझक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही हमेशा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पेंटिंग और ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे लाता रहता हूँ। खैर, अभी एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, हालांकि इस पेंटिंग में स्काई पोर्शन उतना ज़्यादा है नहीं, फिर भी जितने भी पोर्शन है दोस्तों,
आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि उस पोर्शन को करने के लिए मैंने किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। नॉर्मली जो वेट प्रोसेस है वो मैंने नहीं किया है, ओके? तो कमेंट जरूर करना। और आज का ये जो फतेहपुर सीकरी का पेंटिंग था, ये अभी लगभग कंप्लीट होने ही वाला है और मैं आशा करता हूँ कि इसको अंत तक आपने ज़रूर इन्जॉय किए होंगे और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। फिर भी दोस्तों, कहीं पर भी कोई गलती नज़र आए तो ज़रूर मुझे इत्तला कीजिएगा, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ड्राइंग या फिर पेंटिंग चाहते हो ना तो ज़रूर बेझिझक कमेंट्स करना दोस्तों। ये आप ही का चैनल है दोस्तों, हमेशा याद रखना। और मिलता हूँ ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग सा पेंटिंग या फिर ड्राइंग रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीप प्रैक्टिसिंग दोस्तों।